ये ब्यूटी देखोगे तो भाई थोड़ा सा तो चलना पड़ेगा आप लोगों को। क्या बात है भाई, क्या ब्यूटी है भाई। ओह माय गॉड, और ये यहाँ से देखो सूरज मियाँ, सामान ही गिर गया घोड़े से। तो ये हमारा ट्रैक हो गया शुरू, ढूंढ रहे हैं ट्रैकिंग रूट जो कि हमें मिल ही नहीं रहा है, तो अभी देख रहे हैं हम जहाँ पे हमें ट्रैकिंग के लिए जाना है वो अभी बैसारन है। हमने बिल्कुल आउट कर दिया कि हमें जाना कहाँ पे है, तो अब हम पहलगाम से निकल रहे हैं बैसारन की ओर। पहाड़ों को चीरते हुए हम जा रहे हैं और बिल्कुल घने जंगल है यहाँ से। पाइन ट्रीज आपको देखने को मिल रहे हैं, देवदार ट्रीज आपको देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए आप यहाँ से एरियल व्यू पहलगाम का हल्का सा। वो इससे पूछो भाई बैसारन कहाँ से जाते हैं, ओ इसको पूछो, उसको पूछो बैसारन तो इस बंदे को भी हमने पूछ बाइक जाती है वहाँ पे कि उसने बोला कि मुश्किल से जाती है, क्योंकि अगर बाइक इन रूट्स पे खराब होती है तो बहुत मुश्किल होती है। फिर भी हम देखते हैं कहाँ तक जाएगी जहाँ तक रूट साफ होगा। कोई ओ तेरी, ये तो बहुत ही खराब रूट है भाई, ऑफ रोड है भाई। अगर यहाँ पे गिर गए थोड़ी हल्की सी भी स्लिप हो गई भाई। यहाँ से बैसारन जो है ज़्यादा दूर नहीं है, कम ही है, 5 किलोमीटर है यहाँ से। तो यहाँ से हम घोड़ा भी ले सकते हैं सामान के लिए और खुद पैदल चलेंगे जो भी आओ। तो मुझे लगता है बाइक के लिए ये रूट उतना ठीक नहीं है, क्योंकि ये रूट खराब आता जा रहा है आगे आगे। वो सामने है ट्रैक बैसारन का, वहाँ से बाइक वहाँ तक गाड़ियाँ और बाइक जाती है। ये देखिए वेलकम टू बैसारन ट्रैक है कुछ नाम ऐसे लिख के। और ये रोड बहुत ही खराब हो, ये देखो ऑफ रोड है भाई, हल्की से भी अगर गलती होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वहां नहीं जाएगी। देखिए हमने घोड़े पे भर लिया है रामा, हमारा ट्रैक हो गया शुरू बाय फुट, हम चलते बनेंगे। एक बाइक गाड़ी का रोड ही नहीं है, ये देखिए हालत। ओह माय गॉड, और ये हमारी वो दो बंदे मेरे साथ हो रहे। टाइम हो गया कितने बजे, 7 बजे बिल्कुल। हमने ट्रैक शुरू किया शाम के और अभी हम चल रहे हैं। यहाँ से बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं घोड़ों पे। ये देखिए शॉर्ट ब्यूटी वाला, सामान ही गिर गया घोड़े से। चलो भाई, जो इसका रूट है वो बहुत ही खराब है। हम यहाँ यहाँ से चल रहे हैं क्योंकि यहाँ से साफ है। अगर आप बैसारन आओगे आपको हार्डली, अगर आप घोड़े पे जाओगे तो 1 से लेकर 1.5 घंटा, हार्डली 2 घंटे, बाय फुट 3 घंटे 4 घंटे हाईएस्ट। दिन में आप वापस आ सकते हो आराम से, जो घोड़े आते हैं वो यहीं से आते हैं कीचड़ से ही। गाड़ी और बाइक का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि वो यहाँ आ जाए। 4x4 थार वगैरह तो मुझे लगता है चली जाएगी। अगर बारिश गिरेगी तो आप यहाँ पे रुक सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल बेंच सेट करके है, इसी जंगल की लकड़ी हो। ये देखे बेंच कैसे बना के इसको, वाओ बहुत ही बढ़िया। हमने अभी कोई रेस्ट नहीं किया, अभी हम कंटिन्यू चल रहे हैं। अभी हमें ट्रैक मॉडरेट ही लग रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ से जो इसका रोड है ठीक है, मतलब ऑफ रोड टाइप सा है लेकिन ठीक है, बाइक वाइक जा सकती है, गाड़ी भी जाएगी। ये देखे ये लकड़ी वाला बेंच, और ये देख लें यहाँ से व्यू चेक करें। ऊपर पहाड़ों पे बर्फ है टॉप पे, क्योंकि वहाँ ठंडी ज्यादा रहती है इसलिए वहाँ पे बर्फ रहता है बहुत लेट तक। ये देखे जो इसका ट्रैक है वो मुझे लगता है मॉडरेट है, इजी भी नहीं ऐसा कह सकते लेकिन मॉडरेट है, मॉडरेट टू इजी मान लो आप है। और हमारे साथ जो हॉर्समैन है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हम्बल है, बात को मानता है, हमारे हिसाब से चल रहा है, हमारा वेट कर रहा है। देखिए जंगल का व्यू क्या बात है, ये देखिए नीचे का नज़ारा कुछ इस तरह, ग्लेशियर का पानी नीचे जा रहा है जो कि लद्दर बना रहा है नीचे जाके, लद्दर रिवर। आराम से आप तक थोड़ा ही है, वो देखो ऊपर थोड़ा प्लेन सा दिख रहा है। हम शॉर्टकट से आए, रोड से नहीं आए हम, रोड उसका इस तरफ से है। यहाँ से थोड़ा ही है, वो देखो गेट बना के इसको कंक्रीट टाइप। किसी जगह हमने रेस्ट नहीं किया, कंटिन्यू आ रहे हैं। देखिए इसका गेट है और ये है वैली। अभी शाम का टाइम हो गया है तो इसलिए
थोड़ा व्यू कम आ रहा है। हाँ, अंदर कैंपिंग अलाउ नहीं है तो इसलिए हमें बाहर ही कैंप करना होगा किसी जगह। ये देख सकते हो आप, हमारे ट्रेकर्स टेंट लगाने की जगह ढूंढ रहे हैं अभी, तो मुझे लगता है कि आज यहाँ पे ही, आज रात हम यहाँ नाइट स्टे करने वाले हैं। यहाँ पे पहले ही किसी ने कैंपिंग की थी, ये देख सकते हो आप। तो ये इस भैया ने, जिसको हमने वहाँ नीचे से हायर किया था सामान लेने के लिए, इसने हमें यहाँ पे सामान ला के दिया। अब प्रोबेबली हम कल इसी के साथ सफ़र शुरू करेंगे। तो गाइज, हमने कुकिंग स्टार्ट कर ली, हमने पहले अपना टेंट सेटअप किया। आप देख सकते हैं कि हमने टेंट लगा दिया, ये टेंट का इंटीरियर है और हम अभी चाय बना रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे गैजेट्स हैं कैंपिंग के। हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल बहुत कम है, तो हमने सोचा कि पहले कुछ मीठा खाते हैं तो एनर्जी लेवल फिर हमारी रेज होगी। सामान यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये है बाईसारन वैली, ये आप इसका नज़ारा देख सकते हो, कितना खूबसूरत नज़ारा है सुबह सुबह का। वो देखिए सनराइज, क्योंकि इस तरफ अभी धूप नहीं पड़ी है क्योंकि आगे पहाड़ है, पहाड़ों के पीछे जो है सूरज है अभी, और इन पहाड़ों पे धूप पड़ी है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये हो गई हमारी डे टू की शुरुआत, हमने चाय वाय बना ली है। ये था कुछ इस तरीके का कैंप हमारा, यहाँ पे हमने कैंप किया था और नीचे रही वो बाईसारन वैली। और अभी का टाइम कुछ हो गया 6:33। तो ये देखिए, अब हमारा जो ट्रैक होगा वो यहाँ से शुरू होगा ऊपर की ओर। तो ये ट्रैक बहुत ही यहाँ से थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा ज़्यादा भी मुश्किल नहीं, तो इसीलिए हम अभी निकलेंगे 7 बजे के आसपास हम निकलेंगे यहाँ से। तो एटलीस्ट 10 to 11 AM हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और वो रही नीचे बाईसारन वैली, आप वो देख सकते हो नीचे। तो ये बिल्कुल नज़दीक है यहाँ से, हमने बिल्कुल इसके पास ही कैंप किया था क्योंकि अंदर जो है कैंपिंग अलाउ नहीं थी, तो हमने अब बाहर ही कैंप किया। यहाँ पे ये कुछ हट्स थे गुजर के, तो इन्होंने भी बहुत हेल्प की हमारी, ये बहुत हेल्पफुल थे। ये बहुत है, मैंने बहुत सारे ट्रैक किए हैं पहलगाम साइड, बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ। यहाँ पे हमारा कैंप था और चाय वाय हमने पी ली है अभी हम निकलेंगे। ये देखिए हमारा सारा जो सामान है वो बिखरा पड़ा है। ये देखो चेस अंदर से बोल रहा, क्या कर रहा है भाई, नींद से अभी उठ गया, ये सबसे लेट उठ रहा है नींद से भाई। और यहाँ जहाँ पे हमने कैंप किया था बाईसारन के बिल्कुल बाईसारन के पास ही, तो यहाँ पे श्राइन है, श्राइन टाइप है कुछ। ये देखो ये श्राइन है, यहाँ पे जंगल में भी श्राइन है, इसमें डोनेशन बॉक्स भी रखा है इन्होंने। और फिर एक और नज़ारा देख लीजिए आप बाईसारन वैली का, बहुत ही खूबसूरत क्या व्यू है। अभी जो है सूरज राइज होता है उतना इस पर सनलाइट इस वैली पे आती रहती है। ये देखिए आप बाईसारन वैली में घुस गए, कितना खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया। ये देखो ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़ है क्योंकि वहाँ पे ठंडी ज़्यादा रहती है। वो देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे एडवेंचर देखने को मिलेंगे। और हमें यहाँ से जाना है ट्रैक के लिए, बाईसारन वैली के बिल्कुल बीच में है। क्या बात है भाई, क्या ब्यूटी है भाई। ये देखो ये ब्यूटी देखोगे तो भाई थोड़ा सा तो चलना पड़ेगा आप लोगों को। और ये यहाँ से देखो सूरज मियाँ, सूरज भी निकल पड़ा पूरा। अब इस पर सनलाइट आ गई है, मौसम बिल्कुल क्लियर है, हम ट्रैक के लिए रेडी है। और भाई आप रेडी हो? जी भाई रेडी जी। ओके फिर हम निकलते हैं ट्रैक के लिए, Part 3 के लिए, मुझे लगता है कि 4 है, देखते हैं। Part 2 है नहीं, 2 3 है, 3 Part 3 है अब।